दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। अभी मैं रोहतास जिला के सासाराम में है। सासाराम के समाहरणालय गेट के सामने जो है डाटा एंट्री और डाटा ऑपरेटर रोहतास एसोसिएशन की तरफ से जो है धरने पर दो दिन से बैठे हुए हैं। 28 और 29 दो दिन धरना है। सारे लोग अपनी मांग मांग रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव का डेट करीब आ रहा है सब लोग अपनी मांग मांग रहे हैं। लेकिन डाटा ऑपरेटर एक ऐसा पद है जो अगर वो उस पद से हट जाए तो सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं। उन्हीं के जिला अध्यक्ष हैं और उन्हीं से जानना चाहेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो चाहें अपना बोल सकते हैं। दो दिन से धरने पर बैठे हैं और इन लोगों की बहुत सारी मांगे हैं। अभी हम बात कर लेते हैं। जी सर, मेरा नाम जो है निकेश कुमार सिंह है और मैं अंचल कार्यालय शिवसागर में कार्यरत हूँ। आज सर हम लोगों का दो दिनों का धरना प्रदर्शन है, कल भी था आज भी है। हमारी सर मुख्य मांगे यही है कि हम लोगों का जो विभागीय सेवा समायोजन है वो कर दिया जाए, क्योंकि सर हम लोग जो है एग्जाम पास करके भाई सर जो एक नियमावली होती है हम लोग उस थ्रू आए हैं, ना कि कोई पैसा दे के या कहीं से आ गए हैं। हम लोगों का एडवर्टीजमेंट निकला है, हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, टाइपिंग दिया है, पैनल बना है, तब हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, ऐसे हम लोगों की नहीं हुई है। तो अभी हम लोगों के वर्तमान में जो व्यवस्था है सर कि हम लोगों का सब कुछ करवाता है बेल्ट्रॉन एक सरकारी संस्था है, ये आपको भी पता है, वो बिहार सरकार की एक सरकारी संस्था है। बट सर बेल्ट्रॉन और बिहार सरकार ने अपने बीच में एक ठेकेदार को रखे हुए हैं और बेल्ट्रॉन जो है वो बड़ा जाँच परख के बड़े अच्छे अच्छे लोगों को लेता है। सर बेल्ट्रॉन में आपको हम बता दें TCS एग्ज़ाम करवाती है, जो रेलवे बैंकिंग सबका एग्ज़ाम करवाती है। तो इतना टफ एग्ज़ाम हम लोग दे के आए हुए हैं, उसके बावजूद भी बेल्ट्रॉन क्या करती है, सब कुछ वो करती है सर। एडवर्टीजमेंट निकालती है, हम लोगों की ज्वाइनिंग भी जब सब कुछ वो करती है, एडवर्टीजमेंट निकालती है, पैनल बनाती है, एग्ज़ाम लेती है, सब कुछ करती है। लेकिन जब ज्वाइनिंग देने की बात आती है तो उन्होंने रखा है एक उर्मिला को। उर्मिला एक प्राइवेट कंपनी है, वो उनको इसलिए रखा गया है कि ताकि वो हम लोगों के पैसे को काट सके। सर हम लोगों का जो इन्वॉइस पर पेमेंट बनता है 25,000 बनता है, बट हम लोगों को मिलता कितना है, 17,000 रुपया। तो ये 8,000 रुपया जाता कहाँ है, वो 8,000 रुपया वो उर्मिला और बिहार सरकार इसीलिए रखे हुई है ताकि हम लोग कोई उस पर कोई दबाव नहीं बना सकें। हम लोगों को एक जालसाजी के तहत फंसा दिया गया है, जो कि हम लोग बिल्कुल सही हैं। और अगर बिहार सरकार से हम लोगों की एक ही डिमांड है कि वो हम लोगों का या तो विभागीय समायोजन कर दिया जाए। बिहार सरकार कुछ जातीय समीकरण भी बना के तरह तरह का मतलब कर रही है सर। ओला सेवक हो गए या तालीमी मरकज हो गए सर बेल्ट्रॉन जो है ये बहुत पुरानी संस्था है और जो भी हमारे जो साथी गण हैं वो 20 साल 25 साल से काफ़ी दिनों से कार्य कर रहे हैं। ये आज कोई हमारा नया ये नहीं है, बट ये है कि सरकार 20 से 25 साल कार्य करने के बावजूद भी हम लोगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। जहाँ तक कि टोला सेवक बाकी लोगों का सवाल है तो सब पे सरकार ध्यान दे रही है। अभी कुछ दिन पहले टोला ये विकास मित्र जो है उनका पेमेंट बढ़ा है, बाकी आंगनबाड़ी सेविका उन लोगों का भी धरना प्रदर्शन चल रहा था, शिक्षक लोगों का भी। तो सर हम लोग 25 साल से पूरे बिहार को एक डिजिटाइज कर चुके हैं। आज आप लोगों को जो बिहार में जो एक सिस्टम जो है दिख रहा है, आपको जो धरातल पर जो योजनाएं दिख रही है उसको करने वाले हम कंप्यूटर ऑपरेटर ही हैं। अगर हम लोग नहीं रहे तो बिहार सरकार का सारा काम ठप पड़ जाएगा और उनकी योजनाएं धरे की धरी रह जाएगी। अब हम जिला अध्यक्ष जी हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। बताइए आज के धरने के बारे में। सबसे तो पहले आपका धन्यवाद हमारे इस धरना स्थल पर। और हम आपको बता दूँ कि बिहार आज डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ प्रदेश स्तर पर ये अपने पूरे प्रदेश के 38 जिला में एक साथ हड़ताल आयोजित है, जिसका आज दूसरा दिन है 29 तारीख को। ये पूरे बिहार में हो रहा है? जी पूरे बिहार प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय सहित और पटना मुख्यालय सहित प्रत्येक जगह हो रहा है। हमारी सरकार से यही दरखास्त है कि विगत हम लोग 20 से 25 वर्षों से सर बेल्ट्रॉन के माध्यम से विभिन्न पदों पर, जैसे कि प्रोग्रामर हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, आईटी बॉय हैं, स्टेनोग्राफर हो, आईटी गर्ल हो, विगत 20 से 25 वर्षों से अपने अपने कार्यालयों में सेवा देते आ रहे हैं। लेकिन आज तक हमें अपने जॉब का सिक्योरिटी प्राप्त नहीं हुआ है। कभी भी किसी वक्त पदाधिकारी द्वारा या ऑफिस के वरीय कर्मचारी द्वारा ये धमकी दिया जाता है कि माइनर गलतियों पर भी आपको सेवा वापस कर दिया जाएगा, और बहुत से हमारे साथी अभी तक वापस कर भी दिए गए। इसलिए हम लोग इतना दिन से जब मेहनत कर रहे हैं, बिहार को डिजिटलाइजेशन बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, फिर भी हम लोगों का आज तक जॉब सिक्योरिटी नहीं मिला है। इसलिए हम लोग पूरे प्रदेश स्तर पर ये आह्वान किए हैं कि हम लोग एकल मांग अपना सेवा समायोजन कर लेकर
28 और 29 तारीख को पूरे बिहार प्रदेश के हर एक मुख्यालयों में एकदम कोई भी कार्यालय नहीं जाएगा और 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल चलेगा। मतलब आप जिला अध्यक्ष हैं और पूरे बिहार में इस तरीके का कार्यक्रम हुआ, अगर मान लेते हैं सरकार नहीं मानती है तो क्या फिर करेंगे जी? अगर सरकार हमारी इन 2 दिवसीय हड़ताल के बावजूद यदि कोई सरकार की तरफ से सकारात्मक पहल नहीं होती है तो हम लोग ठान लिए हैं कि अगला माह में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ये हमारा संघ का आह्वान है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू कुमार हुआ और मैं राजू कुमार हैं। राजू कुमार ने साफ साफ कहा कि हम लोग 2 दिवसीय धरना कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग जो है कुछ और भी करने के लिए तैयार हैं। आज के धरना के बारे में बताइए। हम लोग का मेन उद्देश्य आज के धरना में कि हम लोग सरकार से यही रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं, करीब हम लोग 2 महीना से हम लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हैं कि हम लोग 25 वर्षों से आउटसोर्सिंग का जो धब्बा है इसको हम लोग को मिटाना अब चाह रहे हैं और हम लोग क्षेत्रीय कार्यालय से लेकर सचिवालय मुख्यमंत्री के कार्यालय तक जो हम लोग 75% अपना योगदान देते आ रहे हैं, ऑफिस संभाल रहे हैं, उसके हम लोग सबसे अपेक्षित और आउटसोर्स का जो व्यवस्था है उसको हम लोग हटाना चाह रहे हैं। यही हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब सब संपर्क के साथ हित में सरकार सोच रही है तो हम लोग के बारे में भी सोचे और हम लोग जो 75% योगदान दे रहे खून पसीना एक करके लगा रहे हैं लेकिन उसके बदले में हम लोग को कभी भी ये डर बना रहता है कि कभी भी हम लोग को निकाला जा सकता है और ये हमेशा धमकी दिया जाता है कि तुम्हारा तो एक कलम का नौकरी है, कभी भी हम तुमको बर्खास्त कर सकते हैं। आए दिन हमेशा हम लोग को ये डर बना रहता है कि कब कौन नया पदाधिकारी आएगा और हम लोग का सेवा वापसी हो जाएगा। इस चीज़ को हटा करके मैं यही चाहती हूँ, सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सेवा समायोजन किया जाए क्योंकि हम लोग जो सरकार के अभिन्न अंग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है और 12 बजे रात तक छुट्टी में भी हम लोग काम करते हैं लेकिन सरकार हमारे बारे में अब तक कुछ भी नहीं की है, सारा सब संपर्क के बारे में किए लेकिन हमारे बारे में कुछ भी नहीं अब तक किए। हम लोग को GST काटा जाता है, हम लोग का 18% GST काटा जाता है और जो हम लोग को महिला कर्मियों को SL मिलता था उसको भी निरस्त कर दिया गया। सर हम लोग रेगुलर कर्मी महिला के लिए नहीं है, महिला हम यही सर हम लोग तो यही चाहेंगे कि जो सरकार से मांगे हम लोग को पूरा होना चाहिए। हमेशा छुट्टी के समय भी हम लोग को फोन करके बुलाया जाता है काम के लिए कि काम करिए है पूरा एकदम दबाव को लेकर हमेशा मतलब कहा जाता है कि आप ये हैं रेगुलर नहीं है, हमेशा मतलब भेदभाव से देखा जाता है हम लोग के ऑफिस में। हाँ हमें भी ये कहना है कि हम लोग के साथ दोगलापन का व्यवहार होता है, सरकारी जो महिला लोग हैं उन लोग को भी मनचाहा छुट्टी मिलता है, हम लोग का विशेष अवकाश बंद कर दिया गया। क्या सरकारी महिला है और हम लोग महिला नहीं हैं? हमारी सरकार से गुहार है कि हमारी भी सेवा स्थायी होना चाहिए और हमारी भी सारी मांगे पूरी होनी चाहिए बस।
कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्ला खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।